नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं कि आज के दिन में सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला, और इसी के साथ में दिवाली आते आते सोने के भाव में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, सोने का भाव कहां तक पहुंच सकता है वह भी हम जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोना महंगाई मापने का एक सर्वोत्तम मानक भी रहा है। निवेशक भी सोने को एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में मानते आ रहे हैं। वैसे तो कई सारी चीजें हैं जो सोने के भाव पर असर डालती रहती है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है कि सोने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर या फिर घरेलू स्तर पर सोने की मांग कितनी है। वर्तमान के समय की बात करें तो ज्यादातर निवेशक जो है सोने में निवेश कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों के बीच में ट्रेड वार चल रहा है, और इसी के साथ में डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर होता जा रहा है। तो बात करें आज के सोने और चांदी के भाव की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देश में आज वायदा बाजार में सोना 38,525 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया। MCX पर अक्टूबर के सोना वायदा ने 0.70% की छलांग लगाई। फिजिकल बाजार की बात करें तो सोना 37,025 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर चल रहा है। ट्रेड वार के चलते वैश्विक स्तर पर सोने के बढ़ते दाम और कमजोर होते रुपए के कारण देश में सोने का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। सराफा बाजार के कारोबारी पवन जलानी के मुताबिक सोने की कीमत जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है, उस हिसाब से दिवाली तक सोने की कीमत 40,000 के पार भी जा सकती है। यानी दिवाली के समय सोने के आभूषण या सोने के सिक्का खरीदने के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।